एसएम वर्ग के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को सर्वप्रथम मेरा सुप्रभात। इससे पहले वाले वीडियो में हरिहर काका कहानी में मैं आपको यह बताया था कि महंत जी हरिहर काका को यह लोक और परलोक सुधारने का कुछ उपाय बता रहे थे। बहुत ही ठाकुर सुहाती वाणी में उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए आगे क्या होता है। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। हरिहर काका बहुत देर तक, जब तक वो बोलते रहे, श्रोता बनकर उनकी बातों को सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही। महंत जी जो जो कह रहे थे सब वे अपने दिल में बैठाते जा रहे। कुछ ऐसी वाणी होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जिसको हम लोग दिल से ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं। ऐसी बातें हम लोगों को प्रभावित करती हैं और बहुत लंबे समय तक ये बातें याद रह जाती हैं, इसको हम भूलते नहीं। तो उसी तरह से महंत जी की उपदेशात्मक वाणी हरिहर काका के दिल में बैठती जा रही थी। सोचते थे मन ही मन हरिहर काका कि ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है इस दुनिया में, कौन किसका है, सब स्वार्थ के साथी हैं, स्वार्थ से सभी सगे होते हैं, लेकिन निस्वार्थ से जो सगा हो वही सच्चा सगा है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं। हरिहर काका के पास, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 15 बीघा खेत है, उसकी फसल वे अपने भाइयों को देते हैं तब तो उनको कोई सही ढंग से पूछता तक नहीं है। अगर कुछ ना दें तब क्या हालत होगी, मन ही मन सोच रहे हैं कौन हरिहर काका। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा, लोग उनकी जमीन को हड़प लेंगे, उनके भाई भतीजा, और उनका नाम शायद ही याद रख पाएंगे, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद स्वार्थी लोग किसी के उपकार को याद भी नहीं रखते, कृतज्ञ हो जाते हैं, सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। क्योंकि जब हम समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए कुछ करते हैं तो मरणोपरांत हमारी कृति अमर हो जाती है। हरिहर काका यही सब बातें सोच रहे थे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है, लड़कपन खेल में होकर, जवानी निंद भर्ष होकर, बुढ़ापा देखते ही रोने लगते हैं, जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हरिहर काका भी यही बात सोच रहे थे कि अब तक मैं भगवान के लिए कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें, लेकिन या सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा। माया मोह का बंधन उन्हें जकड़ लिया था। अंतरात्मा की आवाज को वे अस्पष्ट शब्दों में मुख से बाहर नहीं आने दे रहे थे। माया के वशीभूत होने के कारण सोच रहे थे भाई का परिवार तो अपना ही होता है। देखिए माया क्या सोचवा रही थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी में दे दें तो यह उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा।
अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। महंत जी को जो समझाना था सब समझा दी। देखने लगे हरिहर काका की ओर कि अब उनकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे नहीं रह सके। हरिहर काका मुझसे कुछ नहीं बताए कि हाँ मैं ठाकुरवाड़ी के नाम पर जमीन लिख दूंगा या नहीं लिखूंगा, लेकिन उनके चेहरा पर जो बदलाव आया महंत जी की उपदेशात्मक वाणी सुनकर, इसको महंत जी की अनुभवी आंखें समझ गए कि इसमें बदलाव आया है। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। प्रायः लोग अपनी सफलता पर इतराते हैं, खुशियां मनाते हैं, महंत जी को भी काफी खुशी हुई कि चलिए मैं जिस उद्देश्य के लिए हरिहर काका को समझाया उसमें मुझे सफलता मिल रही है। उन्होंने सही जगह वार किया है। महंत जी सोचे कि मैं सही जगह पर वार किया हूं। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरवाड़ी के दो सेवकों को बुलाकर आदेश दिया। महंत जी ठाकुरवाड़ी के दो सेवकों को बुलाए और उन्हें आदेश दिए कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। इनके आराम का, हरिहर काका के आराम का। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा बिठाया। यानी महंत जी को कहने में जितना समय लगा उससे कम समय में ही दो सेवकों ने वैसी व्यवस्था कर दी। हरिहर काका चाह नहीं रहे थे कि मैं यहाँ आराम करूँ, फिर भी महंत जी के समझाने पर मान गए और दोनों सेवक हरिहर काका को एक साफ सुथरा कमरा में ले जाकर गद्देदार बिछावन पर लिटा दिए। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें, किसी को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शानदार स्वागत करने की आवश्यकता होती है। महंत जी इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए शानदार स्वागत में कोई कमी ना हो इसके लिए पुजारी जी को समझाए। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे। उद्देश्य स्पष्ट है, उनके नाम पर जो 15 बीघा जमीन है वो जमीन ठाकुर जी को वो लिख दें, यही महंत जी का उद्देश्य था। इसलिए ठाकुरवाड़ी में चहल पहल भी शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे कि तुम लोग उनका सही स्वागत क्यों नहीं की, सही ढंग से भोजन क्यों नहीं कराई, उनकी तबीयत खराब थी तो सेवा शुश्रूषा क्यों नहीं की। बहुत डांटे फटकारे, तरह तरह के सवाल किए उनके भाइयों ने अपनी पत्नियों से किए। फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए उनके तीनों भाई। एक जगह बैठकर क्या हो गए, चिंतामग्न हो गए, चिंता में डूब गए कि अब क्या होगा, कि 15 बीघा जमीन हम लोगों के हाथ से अब निकल रहा है। लगता है महंत जी हरिहर काका को समझा बुझाकर लिखवा लेंगे। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालु और बेचैन हो गया। मन में तरह तरह की शंका व्याप्त हो गई।
मन एकाग्रचित न होकर बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। कुछ ऐसी बातें होती है जो बिना किसी के बताए हुए ही हम जान जाते हैं। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरवाड़ी पहुंचे। देर शाम में, शाम गहराते गहराते मतलब देर शाम में हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरवाड़ी पहुंच गए। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। तीनों भाई बहुत अनुनय विनय किए कि हम लोगों से गलती हो गई, आप ठाकुरवाड़ी का मोह छोड़कर घर चलिए। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए और क्या कहने लगे कि आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। महंत जी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनके भाइयों को उपदेशात्मक वाणी में समझा दी, लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जा चलने के लिए जिद करने लगे। जिद जा के नीचे नुकता है, इसलिए उसको जिद न बोलकर क्या बोलना है, जिद। इस पर ठाकुरवाड़ी के साधु संत फिर से उन्हें समझाने लगे उनके भाइयों को कि वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरवाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्हें आज यहीं रहने दीजिए। अंततः भाइयों को निराश को वहाँ से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए, देख लीजिए शब्द पर ध्यान दीजिए, भोजन कराने के लिए नहीं, भोग लगाने के लिए। जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं उसी तरह से महंत जी समझ रहे थे कि हरिहर काका साक्षात लक्ष्मी, क्यों, इसलिए कि उनके पास 15 बीघे जमीन है। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान्न और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। इतनी उम्र गुजार दिए इस तरह का भोजन कभी नसीब नहीं हुआ था हरिहर काका को। घी टपकते माल पूरी, भोजन में क्या था, भोग में क्या था, घी टपकते माल पुए, रसगुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। वो भोजन भी कर रहे थे और कौन भोजन कर रहे थे, हरिहर काका और महंत जी। उनके भोजन करने के क्रम में उपदेशात्मक वाणी द्वारा उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। एक ही रात में ठाकुरवाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके, उन्हें नींद नहीं आई। हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति चिंताकुलित होते हैं उन्हें रात में नींद नहीं आती। भावी आशंका उनके मन को मचती रही, बार बार एक ही शब्द मानस पटल में अंकित हो रहा था, 15 बीघे खेत। इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति उस जमाने में 15 बीघे खेत की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक, अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। तीनों भाई यही सोचते रह गए रात भर।
सुबह करके इन तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। तीनों भाई कहने लगे कि हमारी पत्नियों से जो गलतियां हुई है उसे आप माफ कर दें। ये भी आश्वासन दिए कि आप घर चलें, हम लोग अपनी अपनी पत्नियों को निश्चित रूप से दंडित करेंगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई कि हम लोग सगोदर भाई हैं, हम लोग के शरीर में एक ही माता पिता के खून हैं, आप चलिए। तो खून की माया फैलाई, हरिहर काका का दिल पसीज गए, वह पुनः वापस घर लौटा। प्यारे बच्चों देखिए आगे क्या होता है। लेकिन यह क्या आश्चर्य हुआ हरिहर काका, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। जिस हरिहर काका को लोग हालचाल तक नहीं पूछते थे, रूखा सूखा भोजन देते थे, ये अनमोल बदलाव कैसे आ गया, आश्चर्यित हो गए हरिहर काका। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। सिर आंखों पर उठाना आवश्यकता से अधिक सम्मानित करना, खूब सम्मान देना, ये मुहावरा है, इसका एक अर्थ है। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की। उनके तीनों भाइयों की पत्नियां आई, बारी बारी सब उनके पैर पर अपना माथा पटकी और जो उनसे गलतियां हुई थी उसके लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। जब घर में कोई अतिथि आ जाते हैं उस अतिथि को जितना स्वागत नहीं किया जाता है उतना स्वागत हरिहर काका का होने लगा। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों शाम खाना नाश्ता तैयार, पांच महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद का मतलब होता है तैयार रहना। मुस्तैद उर्दू शब्द है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तैयार रहना। तो तीन भाइयों की पत्नियां, पांच महिलाएं कौन कौन, तो तीन भाइयों की पत्नियां और दो उनकी बहुएं। तीनों भाई में दो बहुएं थी, तीनों भाई की तीन पत्नियां, तीन दो पांच, पांच महिलाएं हमेशा मुस्तैद रहती। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते, जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, यदि मैं महंत जी के यहां नहीं जाता वे इतना स्वागत नहीं करते तो कदाचित मेरे भाइयों में इतना बदलाव नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं, यानी उनको जानकारी हो जाती है हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। लोग जो जुबान है वह उतना तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ता जितनी घटना की मुख्य जुबान आगे बढ़ती है।
कहते हैं आगे, घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और ना हरिहर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। जब भी गांव में लोग 2, 4, 5, 10 की संख्या में बैठते थे किसी चौपाल में, कहीं चौक चौराहे पर आपस में लोग मिलते थे तो केवल हरिहर काका की चर्चा करते थे। हर जगह उन्हीं का प्रसंग सुख, जैसे आज हम लोग जहां भी बैठते हैं कोरोना का प्रसंग शुरू कर देते हैं, तो समसामयिक घटनाओं की चर्चा होना स्वाभाविक है। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम पर लिख देनी चाहिए। ऐसे लोग कहते हैं जो ठाकुरवाड़ी के पक्षधर हैं, उनके कोई संतान नहीं है, इसलिए हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम पर लिख देनी चाहिए। ये वैसे लोगों का मत है जो ठाकुरवाड़ी के पक्षधर हैं। इससे उत्तम और कुछ नहीं, ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देने से अच्छा दूसरा कोई काम नहीं। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। अचल जिसका अर्थ होता है स्थिर, अस्थाई। इससे इनकी कीर्ति अचल बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ लोगों कि मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा। इस तरह का विचार वैसे लोग दे रहे थे जो हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर थे, या वैसे लोग थे जिनके घर में हरिहर काका जैसे लोग पल रहे थे। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। सब लोग इस चर्चा में शामिल होना चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि किसी प्रकार की घटना घटित हो ताकि हम लोगों को चर्चा का विषय मिल सके, उसमें आनंद ले सकें। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। एक वर्ग वैसे लोगों का था जो ठाकुरवाड़ी के पक्षधर थे, दूसरा वर्ग उन लोगों का था जो हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर थे। दोनों में कभी कभी बातावाती हो जाती थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम पर लिख दें, तब यह ठाकुरवाड़ी ना सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरवाड़ी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरवाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं
साथ ही किसी ना किसी रूप में ठाकुर बाई से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग, पेटू आंतरिक शब्द है जिसका अर्थ होता है केवल खाने के पीछे मस्त रहने वाला व्यक्ति, पेट भर ले बात समाप्त। चटोर जिसको हम लोग बोलते हैं जिपसला, यानी जो स्वादिष्ट भोजन का आदि हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है। तो क्या कहा गया कि साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत मर्द पड़ रहे होते हैं। हरिहर काका जैसे औरत मर्द क्या मतलब कि संतानहीन, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। हमेशा समझाते रहते थे कि आप अपनी जमीन हम लोगों को लिख दीजिए। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। मुझसे का अभिप्राय यहां कथाकार मिथिलेश्वर जी से है। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी को बनाना ठीक नहीं होगा। लेखक महोदय समझाए हरिहर काका को, जब तक आप जीवित हैं अपनी जायदाद किसी को मत लिखिए, न भाइयों को लिखिए और न महंत जी को लिखिए। चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों न हो, हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी। उत्तराधिकारी अर्थात बाद का अधिकारी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कथाकार मंगलेश्वर जी हरिहर काका को समझाए कि भूल से भी जीते जी अपनी जमीन किसी को मत लिखिए, नहीं तो आपकी भी जिंदगी कुत्ते की जिंदगी हो जाएगी, जैसे गांव के कुछ लोगों की हो गई जो लोग जीते जी अपनी जमीन अपने उत्तराधिकारी को लिख दिए। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका इस बदलाव को समझ गए और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया कि मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल गई, चूंकि मुझे कोई संतान तो है नहीं, जो ही मैं मरूंगा मेरी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। जमीन लेकर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर इंसान मुट्ठी बांधे आता है और हाथ पसारे जाता है, जाना सबको है, कोई कुछ लेकर नहीं जाता। जो भी भौतिक संपदाएं हैं सब यहीं रह जाती, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है, भाइयों को समझा दीजिए।
मेरे बच्चों आगे इस कहानी में जो बातें हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आप इसको बार बार श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।